रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम पिछले तीन दिन से यहाँ कौसा आइडियल मार्केट से कुछ लोगों के हमें लगातार कॉल आ रहे थे। एक व्यक्ति है जख्मी हालत में जो है वो यहाँ पड़ा हुआ है, दिखाते हैं आपको। देखिए ये इनका नाम है अनिल मोदी उर्फ अल्लाह रखा। अनिल मोदी उर्फ अल्लाह रखा का 4 महीने पहले जो है इनका एक्सीडेंट हुआ था, उस शील फाटा पर हादसे में जो है बस से एक्सीडेंट हुआ था, पैर टूट गया था। ये कलवा में एडमिट थे, 4 महीना कलवा में एडमिट रहने के बाद इन्हें छुट्टी दी गई। छुट्टी देने के बाद ये बाहर के इलाके में यहाँ पर सड़क पर ही जो है अपना मांग करके जो है गुजारा करते थे। लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि आपको दिखा रही है इनके पैर की तरफ देखिए, ये प्लास्टिक की थैली से पूरा लपेट के पैर रखा हुआ है, क्योंकि ये पैर जो है इनका लगभग सड़ चुका है, इसमें कीड़े पड़ रहे हैं, वो खुद भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। अब यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि इनको लेकर के यहाँ के स्थानीय लोग जो है दुकानदार हैं वो पुलिस प्रशासन से और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर रहे हैं कि इन्हें जो है तकलीफें हैं और फिर इनकी वजह से आसपास में भी तकलीफ है, तो इसका कुछ हल निकाला जाए। हमारे साथ है अयाज भाई। अयाज भाई जरा आएंगे आप, लगातार 2-3 दिन से आप भी फोन कर रहे हैं और भी 2-3 लोग मुझे फोन कर रहे हैं। ये बता रहे हैं इनका नाम अनिल मोदी उर्फ अल्लाह रखा है, ठीक है, आपने बातचीत अभी हमने इनसे की है, उसको हम फिर से इनसे बात करने वाले हैं। लेकिन क्या ये कब से यहाँ पर है? ये लगभग 25 से 30 दिन हो गया यहाँ पर है। हाँ। और फिर इनका पूरा पैर एकदम से सड़ा हुआ है। हाँ। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि इनका इलाज हो जाए। हाँ। यहाँ से किसी हॉस्पिटल में जाए, इनका इलाज हो जाए। फिर इनका पूरा यहाँ पे एकदम से पूरी गंदगी, इन्फेक्शन भी फैल रहा है, बहुत सारे लोग बीमार हो गए इसके चक्कर में। अच्छा, तो इसके वजह से अब इनका इलाज भी जरूरी है, अब यहाँ पर इसे पड़े हुए हैं। अच्छा, ये यहाँ पर 25-30 दिन से यहाँ पर पड़े हुए हैं, तो अब इन्फेक्शन फैल रहा है, इनके जख्म का जो है पैर का हिस्सा सड़ चुका है, तो क्या उसके लिए कुछ आपने कोशिश की, कहीं कुछ किसी से संपर्क किया? हाँ, बहुत सारी जगह पे बात की, पुलिस चौकी में भी गए। हाँ। फिर उसके बाद इब्राहिम राउत की जो वाइफ, पुलिस ने क्या कहा आपसे? पुलिस ने कहा कि आप लोग उनकी हेल्प करो बस। अच्छा, हाँ ठीक है, आप लोग इंसानियत दिखाओ। अच्छा, उसके आगे पुलिस ने कुछ नहीं किया, कंप्लेन लिख के रख लिया बस। ठीक है, और फिर कहाँ गए? और फिर इनके कुछ पहचान वाले थे, उनसे मुलाकात किए कि इनको भाई कहीं ले जाके थोड़ा किसी अच्छे जगह पे रखो, इनको इलाज हो जाए, इनका इनकी भी जिंदगी का सवाल है, कुछ इनका इलाज हो जाएगा, इनकी जिंदगी बचेगी। हाँ। तो फिर आए कुछ लोग, मुलाकात करके गए, तो कभी कभार कोई आता है इनको लेने के लिए, तो ये जाने को तैयार नहीं है। अच्छा, ये हफ्ते भर से रोज कल कर रहे हैं, हफ्ते भर से बोलते हैं कि मैं कल जाऊंगा, अभी आपसे भी बोलने में कल चले जाऊंगा, बस इनका ये। अच्छा, और आप यहाँ किसी लोकल नगर सेवक वगैरह के पास नहीं गए ये मसला लेकर? नहीं, बहुत सारे लोग मुलाकात किए अलग अलग जगह से। अच्छा, किससे मुलाकात किए? अब है नहीं वो भी। नहीं, ये मतलब कहाँ गए थे इनको, इनके मसले को हल करने नगर सेवक के पास? नगर सेवक के पास। क्या नाम है उनका? अब्दुल इस्लाम। नहीं, नगर सेवक अब्दुल इस्लाम कहा? नहीं, जो इब्राहिम राउत है। हाँ, उनसे मुलाकात हाँ। करेंगे, अश्विन राउत के जो शोहर है। हाँ। नगर सेविका है। जी जी, ठीक है, वो आगे के वार्ड में, यहाँ नहीं है। ठीक है, तो क्या उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप लोग देखो, हम लोग उसके किसी के पीछे खर्चा करने वाले नहीं। हम लोगों ने कहा सिर्फ एम्बुलेंस से आप भिजवा दीजिए। हाँ, तो यही जवाब है कि हम लोग खर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, अब आप थाने मनपा आयुक्त है विपिन शर्मा, मुमरा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त है सागर सालून के, और हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं, पुलिस की भी इसमें भूमिका आती है, अगर इनको यहाँ से अस्पताल में एडमिट कराना है तो पुलिस भी करा सकती है, लेकिन कोई भी अपनी जिम्मेदारी निभाना नहीं चाह रहा है, तो ये लोग जिम्मेदारी निभाए, चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे प्रशासन के सभी विभाग हो। क्या कहना चाहेंगे आप उनसे, क्या अपील करेंगे तमाम आइडियल मार्केट के व्यापारियों की तरफ से, यहाँ के स्थानीय निवासियों की तरफ से, क्या कहेंगे? यहाँ से कुछ कॉल किए थे, तो दो पुलिस वाले आए थे, तो वहाँ पे बातचीत हुई थी कि हम लोग जाके नगर सेवक से बात करेंगे, 1-2 दिन में कुछ इनका हल निकालेंगे। नहीं ठीक है, अपील क्या करेंगे आप? आपने वो कोशिशें कर ली, सारी कोशिशें बेकार हुई है। यही अपील है कि इनको मतलब किसी अच्छे जगह पर लेके जाके इनका इलाज करवाएं, अस्पताल में भर्ती कराया जाए, अस्पताल अपनी जिम्मेदारी को निभाए, प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी को निभाए। ठीक है, ठीक है, बात करते हैं अनिल मोदी उर्फ अल्लाह रखा से। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, आपका कुछ नहीं, आपसे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये कैसे हुआ था, एक्सीडेंट कब हुआ था? 4 महीना हुआ। 4 महीना हुआ था। अच्छा, आप कितने सालों से मुमरा में?
16-17 साल से है। बाहर बड़ी 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 होटल में काम किया, इंग्लिश आता पूरा इसके लिए। अच्छा, इंग्लिश आता है आपको, पढ़े लिखे भी आप। हाँ। कितना हुआ है आपका एजुकेशन, शिक्षा कितनी है? एजुकेशन यहाँ गुजरात में 8 हुआ, लेकिन बड़ी बड़ी इंटरनेशनल होटल में काम करते करते प्रैक्टिकली आपने सीख लिया। ठीक है, ठीक है, प्रैक्टिकली आपने सीख लिया, है ना। आपका पहला नाम अनिल मोदी है और आपने 2-2.5 साल पहले जो है इस्लाम कबूल किया और अब आप अल्लाह रखा हो चुके हैं। ठीक है, 4 महीने पहले ये दुर्घटना हुई, फिर आप कहाँ कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में एडमिट थे। सब डॉक्टर हाथ जोड़ते, बड़े वैसे तुम जाओ बाबा, वो दो लोग क्यों क्यों बोलते तुम्हारे बाप का हॉस्पिटल नहीं है। अच्छा, तुम्हारे बाप का हॉस्पिटल नहीं है। अच्छा, दूसरों को जगह चाहिए यहाँ। हाँ, अभी अभी तुम्हारी हालत कैसी है? ये प्लास्टिक बंधा हुआ है, अभी ठीक है। ठीक है, एक महीना बाल के पैर बचा, कीड़ी मिले सब भाग गई। अच्छा, साफ हो चुका है? साफ हो चुका। थोड़ा और इलाज मिल जाएगा तो अच्छा हो सकता है। नहीं, इलाज क्या, मेरे पैर काटने का, पैर काटना है। हाँ, अच्छा, 3 बार खड़वा में गया। हाँ, 2000 खर्चा किया, भीख मांग के जमाया था। हाँ, 2000 खर्चा किया। हाँ, तो फिर रात को दूसरा डॉक्टर बोलते बड़े हॉस्पिटल जाओ। हाँ, या छोटे डॉक्टर है वहाँ पैर काट डाली, तो मेरे पैर ही काटने गए। अच्छा, ये अभी आपने आपने सुनो, पैर काटेगा ना तो अंदर जो अंगूठी है ना, हाँ, वो भी निकल जाएगा, मैं इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। ये अभी आपने देखे, हमने यहाँ के एक दुकानदार है उनसे बातचीत भी आपने सुना, तो उनका कहना है कि आप भी जाना नहीं चाहते अस्पताल। कभी ऐसा नहीं बोले, सुनो मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा, यहाँ 1 महीने से आप यहाँ, यहाँ इससे पहले कहाँ थे आप? एक मेरी बात सुन, एग्जाम्पल। रशीद कपूर मालूम ना आपको? बोलिए ना। हाँ, वो अकरब का फ्रूट वाले है। हाँ, मेरे दोस्त के डैडी, वो मेरे कलवा में बहुत देखी। हाँ, खाली उनको बोल देंगे यहाँ की इसको निकालो तो निकाल देंगे। एग्जाम्पल। अच्छा, वो बिल्डिंग में नीचे किसी रूम वूम में रहते थे? हाँ, बराबर, झगड़े हो गए, फिर मारामारियां हुई थी, बराबर ना। रशीद कंपाउंड में 3 मटका से थोड़ा सा आगे ही है वो बिल्डिंग। नहीं नहीं, अंदर है, अंदर। अच्छा, कल रिक्शा लेके आएंगे, निकल जाएगा मैं। अच्छा, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। नहीं, ये लोग तो कह रहे रोज आप ऐसा कहते हो लेकिन कोई आता नहीं है ले जाने के लिए, और आता भी है तो आप जाते नहीं हो, आप बना कर देते हो। नहीं, आता है, खाली पैसा लेके चला जाता है। पैसा लेके? हाँ, 70-80 रुपया लेके चला जाता है। क्यों, ऐसा क्यों, तुम क्यों देते हो उनको पैसा? अरे भाई, पहचान वाला है। नहीं, पहचान वाला है, तुम खुद इतनी बुरी हालत में हो, तुमको खुद को जरूरत है तो तुम दूसरों को पैसा दे रहे, समझ में नहीं आ रही है बात। तुम देने को देता होता तो आता नहीं वापस। ठीक है, ठीक है, तो अब अस्पताल आपको भेजा जाएगा, एम्बुलेंस मंगा करके तो जाएंगे आप? हाँ, पैर काटने का जाएगा। हाँ, ठीक है, वो जो भी है वो वहाँ पर होगा। हाँ, लेकिन अभी अगर एम्बुलेंस आती है और आपको अस्पताल ले जाती है तो आप जाएंगे क्या? जाएंगे, जाएंगे ना, अपनी बात पर कायम रहेंगे। बट माई लेग इज कट। Yes, yes, yes. We will talk to doctor at hospital. Then we proceed. Okay? हाँ, उसके बाद वो काम करेंगे। सर, लेकिन आप ना तो नहीं करेंगे ना? नहीं, नहीं, नहीं। हाँ, सर, बस सीखने के लिए कोई चाहिए ना, पैर काटने के लिए, तो मेरे दोस्त के डैडी। यू ओन, और जिनको आपको बुलाना है उनको बुला लीजिएगा, है ना। उनका नंबर मेरे पास नहीं है, रशीद कपूर में रहते है, उनका नाम है अकरम भाई। ठीक है, उनको मैसेज दे देंगे आप। हमने अब यहाँ पर आपको दिखाया कौसा ओल्ड आइडियल मार्केट में, आइडियल मार्केट का ये जो इमारत का पहला हिस्सा है वहाँ पर ये अमीन मोदी उर्फ अल्लाह रखा 1 महीने से पड़े हुए हैं। दुकानदारों को, स्थानीय निवासियों को तकलीफ भी है, शिकायत भी है और दर्द भी है, हर तरीके का मामला है। अब हमने एम्बुलेंस मंगाई, इंसानियत कमेटी के एम्बुलेंस है मोहरा में, जो अक्सर जो है इन तमाम केसेस में दौड़ती है, मदद करती है। आप देख सकते हैं अब्दुल्ला मामू के साथ ही है, ये अकबर है, उनके बेटे ही है अब्दुल्ला बाबू के बेटा, ये बड़ा बेटा अकबर, जो कि अपने पिता के साथ में अक्सर इन तमाम ऐसे कामों में जो है सामाजिक कामों में आगे रहता है। साथ में एक और भाई इरशाद सज्जाद भाई, सज्जाद है, ये दोनों आए हैं। एम्बुलेंस भी हमने आपको दिखाई है, लेकिन अब मसला यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि इनको ले जाने के लिए, वहाँ पर अस्पताल में ले जाने के लिए ये टीम रेडी है, लेकिन वहां दाखिला कराने के लिए कम से कम एक व्यक्ति साथ में लगेगा। और यहाँ पर जो है हमें कॉल करने वाले हैं, हमें बोलने वाले तमाम लोग जो है बात करने के बाद गायब हो चुके हैं। अब ये जिम्मेदारी कौन लेगा? सारी जिम्मेदारी जो है एक ही तरफ धकेल करके कैसे इस मसले को यहाँ के लोग हल कर सकते हैं? अकबर भाई, एक बात बताइए, आप लोग अगर इनको ये अल्लाह रखा और अनिल मोदी जो है अभी कलवा अस्पताल ले जाते हैं,
तो क्या इनको एडमिट नहीं किया जाएगा वहाँ पर? क्यों क्यों क्या दिक्कत आएगी? अभी ये समझो कि लावारिस में आता है, हाँ। वो बोलेगा पुलिस का तुमने मेमो क्यों नहीं लाया, हाँ। फिर यहाँ का जो जिसने कंप्लेन दिया तुमको उसको क्यों नहीं लाया, हाँ। साथ में, अच्छा ऐसे बहुत से मसले वहाँ पे। अच्छा अभी ये कोविड की वजह से ये सब मसले चालू हो गए वहाँ पे। अच्छा तो अभी अभी इनको अगर हम एम्बुलेंस में डालते हैं ले जाते हैं तो क्या वहाँ भर्ती करके नहीं दिया जाएगा? ट्रीटमेंट नहीं करेगा, बाहर ही वैसे पड़े जैसा कि यहाँ है वैसे वहीं पड़े रहे। ठीक है, तो ये स्थिति है। इस बात को अनिल मोदी का भी उर्फ अल्लाह रखा का भी वही कहना है। अब क्या करे इन हालात में, इस सिचुएशन में जनप्रतिनिधि मदद करने तैयार नहीं थे, पुलिस सुनवाई करने तैयार नहीं थी, पुलिस ने लोगों से कहा इंसानियत दिखाइए, इंसानियत दिखाइए, मतलब क्या करे, किस तरह की इंसानियत दिखाए? जिस प्रशासन की जिम्मेदारी है, जिस जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है, वो उसको निभा नहीं रहे। एम्बुलेंस हमारे कहने पर आ गई है, लेकिन स्थिति वहां पर जाने के बाद क्या कठिनाई आएगी, किस तरीके की परेशानी आएगी, वो भी ये बता रहे। यहाँ पर लोग जाने के लिए राजी नहीं है। तो अब अल्लाह रखा उर्फ अनिल मोदी को जो है कैसे अस्पताल में भर्ती कराया जाए, किस तरीके से काम किया जाए, ये हमारी भी समझ से बाहर है।